हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं 16 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पॉट की संस्था ने लॉन्च किया है। देखिए, ऑप्शन देखते हैं, गूगल है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो नियर बाई स्पॉट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है, नियर बाई स्पॉट जो है गूगल ने लॉन्च किया है। तो नियर बाई स्पॉट है क्या? ये जो है, जैसे डेली जो है किराना स्टोर से जो भी सामान लेना होता है, जैसे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जो भी डेली रोज़मर्रा की जो भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इस पर क्या होगा, नियर बाई स्पॉट पर जो है कि जो नियर बाई आपके किराना स्टोर होंगे उसकी जानकारी इस पर उपलब्ध होगी। आप गूगल पे ऐप्स में जाके जो है नियर बाई स्पॉट पर सेलेक्ट करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपके नियर बाई में कौन सा किराना स्टोर जो है ओपन है। इस पर ये भी एक फैसिलिटी इसमें दी गई है कि आप इसके थ्रू जो है पीएम केयर फंड में भी डोनेट कर सकते हैं। और इसमें जो है कारोबारियों को भी फैसिलिटी सुविधा दी गई है कि वो भी इस पर जाकर अपनी लोकेशन को रजिस्टर कर सकते हैं और अपने आप को अपने किराना स्टोर को रजिस्टर करा सकते हैं। इससे जो भी एक्सेस करना चाहेगा, कोई भी ग्राहक एक्सेस करना चाहता है तो एक्सेस कर सकता है। अब ये कहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा? इनिशियली ये दिल्ली में स्टार्ट किया जाएगा, चेन्नई में, मुंबई में, हैदराबाद और पुणे में ये लॉन्च किया जाएगा इनिशियल स्टेज में। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए, गूगल के सीईओ कौन है? ये सुंदर पिचाई है। गूगल का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का जो है इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? किसने किया है? देखते हैं ऑप्शन, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड। तो कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है, ये कौन किया है? मणिपुर ने किया है। तो मणिपुर है, ये है क्या? ये जो है कॉमिक पुस्तक है, जिसे अभी स्कूल बंद चल रहे हैं तो ये कक्षा 3 क्लास 3 थर्ड क्लास 4th और क्लास 5th के बच्चों के लिए जो है, ये जो कॉमिक कॉमिक क्या होता है, इसमें क्या है, जैसे फिगर्स के माध्यम से, चित्र के माध्यम से जो है ये सामग्री जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होंगे? इसमें जैसे मैथ शामिल होगा, इंग्लिश शामिल होगी और इसके बाद इसमें इन्वायरमेंट, ये 3 सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। अभी इनिशियल लेवल पे कक्षा 3 और 4 और 5 के बच्चों के लिए जो है ये लॉन्च किया गया जो इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है, और बाद और जो कक्षाएं हैं उनके लिए बाद में लॉन्च किया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ के जो है मणिपुर के जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। और जो है राज्यपाल कौन है मणिपुर की? मणिपुर के राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने जो है कोविड-19 मरीजों को कोबोट रोबोटिक्स के माध्यम से भोजन और दवाइयाँ देने की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने, देखते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। तो किस राज्य ने जो है कोबोट रोबोटिक्स के माध्यम से भोजन और दवाइयां जो है जो कोविड-19 के मरीज हैं उनके लिए जो है ये उपलब्ध कराएगा? तो ये है झारखंड। अब ये कोबोट रोबोट क्या है? जो रोबोट होगा, एक कोरोना वायरस के जो भी मरीज संक्रमित हैं उनके संपर्क में आने से काफ़ी सारे डॉक्टर जो संक्रमित हो गए और काफ़ी राज्यों में कई फिर डॉक्टरों की जो डेथ हो गई है, तो उससे बचाने के लिए जो है कोबोट को जो कोरोना वायरस से जो संक्रमित मरीज हैं उनके लिए दवाई और खाना जो भी ज़रूरी होगा ये रोबोट उपलब्ध कराएगा। तो कौन सा राज्य है? ये झारखंड ने शुरू किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, किस संस्था ने कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने के लिए जो है कोबसैक विकसित किया है? देखिए, इसमें ऑप्शन देखते हैं, इसरो है, DRDO है, ICMR है, एम्स है। तो किस संस्था ने जो है कोविड-19 मरीजों का मरीजों का जो टेस्ट करने के लिए, नमूनों को इकट्ठा करने के लिए जो है कोबसैक जो है विकसित किया है? तो किस संस्था ने किया है? ये किया है DRDO ने विकसित किया। अब ये है क्या? अब ये देखिए कोबसैक है क्या? अब इसका फुल फॉर्म है कोरोना सैंपल कलेक्शन कियोस्क कैंपल, ये है कोरोना सैंपल कलेक्शन कियोस्क। अब कियोस्क क्या होता है? ये क्या, एक बूथ बना दिया जाएगा, उसमें जो है डॉक्टर कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उसमें पेशेंट को सारी फैसिलिटी दी जाएगी, वो जाके अपना सैंपल वहाँ पे दे सकते हैं और उसमें डॉक्टर जो है कम्युनिकेट कर सकता है, डिवाइसेस के थ्रू जो है कम्युनिकेट करेगा। तो ये इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, कोरोना सैंपल कलेक्शन कियोस्क।
ये है कोबसाइट, और DRDO है, DRDO फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो इसके अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, जी सतीश रेड्डी। और DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डग सैंडर्स का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे, गोल्फर थे, क्रिकेट थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे, या फॉर्मूला वन के, तो ये किससे किस खेल से संबंधित थे, डग सैंडर्स, तो ये गोल्फर थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, COVID-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, गोवा है, महाराष्ट्र है, केरला है, या कर्नाटका है, कौन सा राज्य बना। COVID-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो गोवा। गोवा, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। और गोवा का राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक। इतनी चीज़ें याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, COVID-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। देखिए ये है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या कर्नाटक, कौन सा राज्य है जो पूल टेस्टिंग की शुरुआत की है, तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश। किसने शुरू किया पूल टेस्टिंग। अब पूल टेस्टिंग है क्या, अब पूल टेस्टिंग है जैसे कोई मान लीजिए सपोज दैट एक कोई ग्रुप है, पर्टिकुलर ग्रुप है, वहाँ पर 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में क्या है, 10 लोगों का टेस्ट कर लिया जाएगा। 10 लोगों का टेस्ट किया, अगर 10 लोगों का टेस्ट निगेटिव आया तो ये मान लिया जाएगा ये 100 लोग जो हैं ये सबके टेस्ट जो है निगेटिव है, कोरोना, इनके कोरोना के संक्रमण की कोई भी चांस नहीं है। अगर इसमें 10 में से, अगर ये 100 में से जो 10 लोगों का टेस्ट किया गया है, अगर इसमें एक भी पॉजिटिव पाए जाते हैं, इन 10 में से अगर एक भी पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो इन 100 में सबका अलग अलग टेस्ट किया जाएगा। ये होती है पूल टेस्टिंग होती है। ये कौन राज्य शुरू किया, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने देखो अपना देश नामक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है, तो ऑप्शन देखते हैं, पर्यटन मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, खेल मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय है, तो किस मंत्रालय ने जो है देखो अपना देश नामक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है, तो ये पर्यटन मंत्रालय। किसने शुरू की है, पर्यटन मंत्रालय ने। देखो अपना देश में जो है कोई पर्टिकुलर स्थान लिया जाए, जैसे दिल्ली के लिए, तो वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की पाक कला क्या है, वहाँ की जो भी फेमस चीज़ें, प्रसिद्ध चीज़ें हैं, सब कुछ इसमें दिखाया जाएगा, वहाँ का लोक नृत्य क्या है, सब कुछ दिखाया जाएगा। देखो ये वेबिनार सीरीज जो है शुरू की गई। अब जो है पर्यटन मंत्री कौन है इस समय, प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। पर्यटन मंत्री कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल, तो याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है कि देश का कौन सा संस्थान जो है फ्री टू एयर DTH चैनलों पर जो है काउंसलिंग सेशन का प्रसारण करेगा, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, NIOS है, UGC है, AICT है, इसमें से कोई नहीं, तो ये कौन सा देश का संस्थान जो फ्री टू एयर DTH चैनलों पर जो है लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण छात्रों के लिए करेगा, तो इसका आंसर है NIOS, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये छात्रों के लिए फ्री टू एयर DTH चैनलों पर जो है लाइव काउंसलिंग सेशन। अब इसमें क्या है, जैसे स्कूल बंद है, 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो स्कूल बंद है, तो बच्चों की जिससे पढ़ाई बाधित न हो, तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने क्या किया है, राष्ट्रीय मुक्त संस्थान ने क्या किया है, बच्चों को जो है DTH के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, कई सारे चैनलों के माध्यम से जो है उनको लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा, हर सब्जेक्ट के जो है लेक्चर जो है कक्षा 9 से कक्षा 12 तक जो है बच्चों को सब कुछ हर सब्जेक्ट के लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो ये है फ्री टू DTH चैनलों के पर लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण छात्रों के लिए कौन करेगा, NIOS करेगा। NIOS जो है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त संस्थान करके है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए देखते हैं, विश्व कला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, ये ऑप्शन देखते हैं, 7 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, तो विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को। अभी किस लिए मनाया जाता है, इसमें जो है कला के विकास और कला के प्रचार प्रसार के लिए मनाया जाता है। इसको कौन जो है, इसको कौन संस्था इसको ऑर्गेनाइज कराती है, ये अंतर्राष्ट्रीय आर्ट संस्था ये ऑर्गेनाइज कराती है, और इसमें यूनेस्को की क्या भूमिका रहती है, यूनेस्को जो है लोगों को प्रोत्साहित करती है इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाएँ, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनेस्को की होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल
साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। इसकी महानिदेशक कौन है? आंद्रे एजोले। यूनेस्को के जो है महानिदेशक कौन है? आंद्रे एजोले। अब ये विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को, याद रखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश जो है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? नवंबर में जो है, नवंबर 2020 में जो है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। देखते हैं ऑप्शन, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है। तो कौन सा देश जो है नवंबर में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो है आयोजन करेगा? तो ये कौन है? भारत है। तो और इसके बाद भारत में जो है, भारत में जो है भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है इस समय? अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह, ये भी याद रखिएगा, अजय सिंह। और ये कौन सा देश जो है एशियाई मुक्केबाजी पर कर रहे? भारत, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के चलते किस देश ने विश्व प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर दे फ्रांस को स्थगित कर दिया है? ऑप्शन देखते हैं, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है। तो किस देश ने जो विश्व प्रसिद्ध जो है साइकिलिंग इवेंट को कैंसिल कर दिया है, टूर दे फ्रांस को? ये कौन है? फ्रांस। कौन है? फ्रांस ने कैंसिल कर दिया है। अब आइए देखते हैं, कल का जो प्रश्न था आप लोगों से पूछा था मैंने, कल का प्रश्न देखिए। देश भर में मनाया गया 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, इको 2020 की थीम क्या थी? 2020 28 फरवरी 2020 थीम क्या थी? तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या था। इसमें ऑप्शन था, विज्ञान से देश का विकास, जो विज्ञान ही प्रगति है, विज्ञान में महिलाएं इनमें से कोई नहीं। तो 28 फरवरी 2020 में जो मनाया गया था विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? विज्ञान में महिलाएं। क्या था? विज्ञान में महिलाएं। अब आइए आज का देते हैं आप लोग सब कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज का देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्मित लंबी दूरी तक मार करने वाली स्वदेश निर्मित पहली तोप का क्या नाम है? स्वदेश निर्मित, में ध्यान रखिएगा, भारत द्वारा निर्मित स्वदेश निर्मित। इसमें देखिए तोप का क्या नाम, M46 है, धनुष है, हैबिटस FH-77, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।